हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आज मुझे एक वीक हो गया यूके में एंड अब वीकेंड है फाइनली सो मैंने सोचा तैयार होके थोड़ा सा बाहर निकला जाए इधर एक बहुत ही फेमस जगह है बिच इज़ रिचमेंट पार्क सो मैंने सोचा आज वहाँ चलते हैं अभी तक मेरी कोई फ्रेंड्स तो नहीं बनी लेकिन चलो मैं अकेली चली जाती हूँ मुझे ट्रैवलिंग में किसी की ज़रूरत नहीं होती सो लेट्स गो मेरी एकोमोडेशन से दो स्टॉप्स छोड़ के क्लैरेंट्स लेन में पहुंची हूं और यहां से मैंने पार्क जाना है और वो मैं बस पे आई थी और अब यहां से मैंने पैदल चलना है कम से कम नाना करते ट्वेंटी मिनट्स में पैदल चली थी यहां से ये यह हम पार्क के गेट पे पहुंच चुके हैं और यहां शुरू में ही मैप लगा हुआ था तो मैप इतना बड़ा था ये पार्क इतना बड़ा है कि मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है सो मैंने बीच में से सिर्फ एक जगह ढूँढी विच इज़ पेंस पॉन्ड और अब मैं उस जगह जा रही हूँ सिर्फ ये हम लोग गूगल मैप को भी फॉलो करें और साथ साथ में लोगों से भी पूछ रही हूँ सो गूगल मैप आपको थोड़ा सा लंबा रास्ता दिखाता है स्पेंस पेंस तक लेकिन आप जब इधर लोकल से पूछेंगे तो वो आपको एक शॉर्ट रास्ता बेहतर तरीके से बता सकेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती चलूँ इस पार्क के बारे में सबसे पहले कि ये रिचमंड पार्क रॉयल पार्क है लंदन का और इसके अलावा ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एकर्स कवर कर रहा है और इधर लाइक सिक्स फिफ्टी के अराउंड ईयर्स हैं और वो ओपनली फिर रहे होते हैं तो लाइक कोई ख़तरा नहीं होता खैर मैंने तो काफ़ी दूर से जूम किया था लेकिन ये ओपनली फिर रहे थे और आपके पास से भी गुजर जाते हैं सितंबर में लंदन का वेदर बहुत मज़े का है लाइक इस टाइम पे ठंडी हवा है लेकिन धूप भी है काफ़ी ज़्यादा सो आप नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं लाइक मैंने स्वेटशर्ट पहनी हुई थी क्योंकि मुझे भी यहाँ के मौसम की आदत नहीं है लेकिन आप यहाँ नॉर्मल भी ड्रेसिंग करते हैं काफ़ी चल चल के वैसे ही बंदे की बॉडी वार्म वार्मअप हुई होती है मैंने इस जगह को ही टारगेट किया था कि मैं पेन पौंड सिर्फ जाऊंगी और वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ ये बड़ा खूबसूरत सा बीच में एक पौंड बना हुआ है इतना बड़ा नहीं है और इसमें स्वान्स भी थी डक्स भी थी इसके अलावा आसपास काफ़ी लोग थे जो इधर यहाँ पिकनिक कर रहे थे और इस टाइम पर मुझे अपनी फैमिली याद आई क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी खैर यहाँ से एक से दो घंटे मैंने इंजॉय किया बैठी स्नैक्स खाए और उसके अलावा मैंने थोड़ी सी वीडियोज़ बनाई थोड़ा सा मौसम को इन्जॉय किया और अब जिस तरह जिस तरह अब ज़्यादा टाइम हो रहा है लाइक सिक्स ओ हो गए हैं सब मैं वापसी की तरफ निकल रही हूँ इधर एक बात जो सबसे अच्छी लगती है वो ये कि आप, आप अकेले भी फिर रहे हो ना आपको लूज़र फील नहीं हो रहा था आपको बुरा फील नहीं हो रहा होता पाकिस्तान में आप अकेले ऐसे पार्क में फिरे तो आपको बड़ा ऑकवर्ड लगता है और इन्होंने मेरे सामने मुझे क्रॉस किया और ये बिल्कुल मेरे पास है अब प्रॉपर गोल्डन आर वाला टाइम है और इस टाइम पे मुझे मेरा भाई बहुत याद आ रहा है सबसे बेस्ट पिक्चर्स एंड वीडियोज़ बनाता है वो फ़ाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच चुकी हूं और अब मैं जाके रेस्ट करूंगी रिचमेंट पार्क की मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी अभी मैंने एक कोना देखा है लेकिन हर कोने की मैं बनाऊंगी अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में अलाफे